नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हिंसा में अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये जानकारी राकेश अस्थाना ने दी। शनिवार की शाम को हिंसा शुरू हुई थी और हिंसा रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जनता अफवाहों पर ध्यान ना दे, ये तमाम जानकारी और लोगों से अपील राकेश अस्थाना ने की और जांच पूरी गहराई से की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उस पूरे मामले को लेकर जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं उन पर भी अब पुलिस कार्रवाई करेगी और पूरी गहराई के साथ में ये जांच पड़ताल जारी है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम ये जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की और बताया कि अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। तो हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में रैली निकाली गई थी जिसमें पथराव हुआ था। वहां पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी सिलसिले में पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उसमें बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है, उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 स्वॉर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी। वहां पे तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार पुलिस पड़ताल कर रही है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। तो जहांगीरपुरी की ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या ज्यादा जानकारी है, क्योंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस वक्त वहां पर मौजूद है। अब आगे क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर, इसको लेकर अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जहांगीरपुरी में फिर से पथराव हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहांगीरपुरी में एक बार फिर से पथराव हुआ है। इससे पहले हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस दौरान पथराव हुआ था, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और साथ ही गोली भी चलाई गई थी। इसके तमाम वीडियोस भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 100 से ज्यादा वीडियोस पुलिस के पास में है, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और अब उसी इलाके में एक बार फिर से पथराव हुआ है और घरों पर एक बार फिर से पथराव किया गया है। हालांकि अब एक बड़ा सवाल ये कि जहां एक तरफ पुलिस तमाम उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है जिनके द्वारा पथराव किया गया था, वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं? और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, एक बार फिर से जहांगीरपुरी में पथराव हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी? बता दूं कि आज सुबह से जब एफएसएल की टीम यहां पे सारी जांच करके यहां से निकल रही है, उसके बाद क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की टीम जो इलाके में जिन लोगों की पहचान हो चुकी है उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, तो लगातार उनके ऊपर दोबारा से वहां पे पथराव किया गया है। उसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। पुलिस टीम के ऊपर जो पथराव किया गया उससे एक बार फिर से वहाँ पे स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है, इसलिए पुलिस लगातार उन लोगों की पहचान में जुटी हुई है और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर रही है जो लोग वीडियो फुटेज में सामने आए हैं। अमनदीप, तो मोहम्मद आसिफ, एक बार फिर से पुलिस कर्मियों पर ही पथराव किया गया है, क्या ये घरों की छत के ऊपर से किया गया है जैसे कि इससे पहले भी हमने वीडियोस में देखा? और साथ ही ये बताइए कि अब पुलिस ने और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? आधिकारिक तौर पे डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन अभी भी कि कुछ लोग लगातार पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लग रहे थे, लेकिन अभी से पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इस चीज को साफ कर दिया कि पुलिस किसी भी पक्ष पे एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रही है। जो सबूतों में जो वीडियो में जिन लोगों की पहचान हो रही है और जो लोग पुलिस की छिन पर कार्रवाई कर रही है, लिहाजा ये कहना तो पुलिस के लिए बेकार होगा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में देखने वाली बात यही है कि सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों को पहचान करके चिन्हित किया जा रहा है पुलिस उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। और मोहम्मद आसिफ, ये भी बताइए क्या ये वही इलाका है जहां पर इससे पहले भी पथराव किया गया था? क्या उसी क्षेत्र से एक बार फिर से पत्थरबाजी की जा रही है? जी हाँ, ये मस्जिद के पास का वही इलाका है जहाँ पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी जहाँ पर पथराव किया गया था, वो ये वही एरिया है। आज जब क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पे इन लोगों को पहचान होने के बाद जब गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है तो काफी संख्या में महिलाएं आगे आ गई हैं, लेकिन जब पुलिस ने उनको दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उन्हीं लोगों ने पुलिस के ऊपर एक बार फिर से पथराव किया, जिससे स्थिति दोबारा से तनावपूर्ण हो गई है। आसिफ, क्या पुलिसकर्मी फिर से कुछ घायल हुए हैं या फिर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है? स्थिति को अभी कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि पुलिस बल काफी मात्रा में वहाँ मौजूद था, इसलिए लोगों फिलहाल दरकिनार करते हुए पुलिस अपना काम पर बेहतर तरीके से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मामूली रूप से कुछ पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए हैं। लेकिन अब ये देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी यहाँ खड़ा होता है कि एक तरफ पुलिस उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है, उसके बावजूद भी अगर पत्थरबाजी होती है तो ये साफ दर्शाता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और जो उस पत्थरबाजी में शामिल थे। जी हाँ, स्थानीय लोगों का कहना यह है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करती थी, जबकि घटना में जिन लोगों जो लोग शामिल रहे हैं, लोगों का कहना यह है कि वो स्थानीय लोग नहीं थे, वो सारे यहाँ से बाहर के लोग थे, इसलिए लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना यही है पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। उसमें कई सारे जो लोग ये भी बात सामने आ रही है, ज्वाइनल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, पुलिस उन लोगों को ज्यादा टारगेट कर रही है, इसलिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये विरोध करने का जो तरीका है वो लोगों का गलत है, लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस के सामने आगे कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ये पत्थरबाजी की जो घटना दोबारा से हुई है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर स्थिति को तनावपूर्ण करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक आसिफ, इससे पहले जो भी नाम निकलकर सामने आए थे वो सिर्फ एक ही समुदाय के देखे जा रहे थे, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अब जब दोबारा से पत्थरबाजी हुई है तो उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वहां पर समुदाय के लोग रहते हैं, क्या एक बार फिर से उन्हीं के द्वारा ये पत्थरबाजी की गई है? क्या उन्हीं के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पूरी कार्रवाई है वो एक तरफा है? मैं आपको बता दूं कि पहले उसमें जो पुलिस ने जो जिन लोगों की अरेस्टिंग की थी उनमें ज्यादातर एक ही समुदाय के लोग थे, लेकिन जो उसके बाद जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और वीडियो की पहचान हो रही है और लोगों की शिनाख्त हो रही है, उसमें देखा जाए तो अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें अब संख्या काफी सारे दूसरे समुदाय की भी आ चुकी है, इसलिए ये कहना तो बेकार है। लेकिन जिस जगह पे ये इस टाइम पत्थरबाजी हुई है ये बताया जाता है
कि यहाँ पे मस्जिद के आसपास का जो एरिया है ज्यादातर इसमें बंगाली और रोहिंग्या लोग ज्यादा समुदाय में रहते हैं, इसीलिए उन्हीं लोगों के ऊपर ये उन्हीं लोगों ने ये पत्थर किया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वही लोग इस पत्थरबाजी में दोबारा शामिल हैं जो पहले ही चुके हैं, जिन घरों के छतों से पत्थर फेंके गए थे, जहाँ पे बाजार दुकानों से पत्थर भेजे थे। हालांकि आज जिस तरीके से सुबह एफएसएल टीम यहाँ पे पहुंची है, उन्होंने जो पूरे एरिया की छानबीन करी है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाया दिखाया जा रहा है कि ऊपर जिस तरीके से वहाँ पे पत्थर बरामद हुए हैं और जिस तरीके से लाठी डंडे बरामद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार ये दर्शाता है कि ये पूरी तरीके से एक सुनियोजित तरीके से हमला हुआ है। वाकई में ये पहले से प्री प्लान था जिस तरह के अभी तक तथ्य निकलकर सामने आए हैं, लेकिन आसिफ अगर लाइव तस्वीरें हम देखें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, किस तरह का वहां पर एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या उन घरों पर जाकर भी पूछताछ की जा रही है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास में? ये मैं आपको बता दूं कि पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने साफ कहा है कि पुलिस किसी भी तरीके के दबाव में नहीं है, पुलिस एक तरफा भी कार्यवाही नहीं कर रही है, पुलिस सिर्फ जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं सबूतों के में और जो वीडियो जो शामिल है उनके, सिर्फ उन्हीं के आधार पर कार्यवाही करेगी और पुलिस इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा करेगी। लेकिन पुलिस ने फिलहाल पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये साफ कर दिया कि अभी ये पूरी घटना सुनियोजित थी या ये सिर्फ एकदम तौर पे कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। आसिफ, बड़ी संख्या में महिला पुलिस बुलाया गया है जैसा की तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, तो क्या अब जो पत्थरबाजी हुई है उसमें क्या ज्यादातर महिलाएं ही शामिल थी? जी हाँ, जो आप वीडियो जो सामने दिखाई दे रही है उसमें सीधा तौर पे देखा जा सकता है कि जब पत्थरबाजी शुरू हुई है उसमें आदमियों की संख्या तो बिल्कुल ना के बराबर है, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही उसमें शामिल थी, वही लोग आके आगे इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और अभी तक जब से हम लगातार यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं उसमें लगातार ये चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि किसी भी चीज में जब वहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है, मीडिया कंपनी में पहुंचते हैं, वहाँ पे महिलाएं ही सामने आ रही हैं जो सामने आके विरोध कर रही हैं। ठीक, हालांकि इसी महिलाओं की संख्या को देखते हुए वहाँ पर महिला पुलिस बल को बुला लिया गया है। ठीक आसिफ, इन तस्वीरों के जरिए पुलिस की कार्रवाई का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है, तरह का पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? अभी पुलिस अंदर जाने का प्रयास कर रही है क्योंकि जिस तरीके से वीडियो, ये एक बहुत संकरा इलाका है और तंग ये क्योंकि ये झुग्गी का एरिया है, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर और कुछ यहाँ पे बंगाली समाज के ज्यादातर लोग रहते हैं, इसी वजह से पुलिस एक बार पहले अंदर जा रही है। कितनी अभी वहाँ पे गिरफ्तारी किन किन लोगों की होती है ये अभी संख्या सामने नहीं आई है, ये तो पुलिस अंदर जाके जब पूरी अपनी तरह से कार्यवाही करेगी उसी के बाद ही कुछ सामने आ पाएगा कि इसमें किस तरीके से पुलिस कार्यवाही करती है। अभी तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो सिचुएशन बिगड़ चुकी है उसको अनडोल कंट्रोल करने का, इसीलिए महिला पुलिस बल को आगे किया गया है ताकि वो स्थिति को संभालें और पुलिस अपना काम आसानी से सुचारू रूप से कर सके। लेकिन मोहम्मद आसिफ, इससे पहले भी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए थे, उनकी मौजूदगी में, उनकी तैनाती में जब कार्रवाई करने के लिए बाकी पुलिसकर्मी पहुंचते हैं तो एक बार फिर से पत्थरबाजी करना, ये कई सारे यहां पर सवाल भी खड़े होते हैं कि उन लोगों में कहीं ना कहीं अब पुलिस का डर भी उठ चुका है जिसके चलते पत्थरबाजी भी पुलिसकर्मियों पर की जा रही है, उनकी मौजूदगी में ही इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम सरकार की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, कुछ ही समय पहले राकेश अस्थाना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी और प्रशासनिक अमला और साथ ही सरकार, तमाम लोग काफी ज्यादा गंभीर देखे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का डर यहाँ के स्थानीय लोगों में नहीं देखा जा रहा। जी हाँ, बिल्कुल बता दें कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ये एक तरफा पुलिस लोगों वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे तो वो जबरदस्ती करके हमारे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि हमारे जो लोग थे वो इस पूरे हमले में शामिल नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों का ये गुस्सा है और उसी गुस्से को वो वहाँ पे पुलिसकर्मियों के ऊपर जिस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं उसको पकड़ने वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उन लोगों के अंदर एक गुस्सा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है पुलिस के लेके, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। हालांकि एक तौर पे जिस तरह से देखा जाए वहां पर पूरी ही तरीके से एक तनावपूर्ण शांति तो पिछले कुछ दिन से बनी हुई थी, लेकिन आज जो दोबारा से ये पुलिसकर्मी हिंसा के आरोपियों को पकड़ने गई है वो दोबारा से पत्थरबाजी जो पुलिस के ऊपर की गई है वो कहीं ना कहीं वो उनका गुस्सा यही है सामने कि पुलिस हमारे कि पुलिस हम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं जबरदस्ती कर रही है। ठीक है,
मोहम्मद आसिफ, जिन लोगों की तरफ से अब पत्थरबाजी की गई है, क्या उनकी अभी तक पहचान सामने आई है? क्या ये लोग उन्हीं के परिजन हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है? जी हाँ, ये उन्हीं लोगों के परिजन है ज्यादातर जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, या जहाँ पे अब पुलिस अंदर जाके जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाह रही है, ये उन्हीं लोगों के रिलेटिव हैं और उन्हीं लोगों के परिजन हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। इसीलिए ये फिलहाल पुलिस को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और ये क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ ये बस्ती है, दोनों तरफ वहाँ पर अंदर जाने के लिए गेट लगा है, क्योंकि संकरा ये रास्ता है, इसीलिए वहाँ पे ज्यादा दिक्कत आ रही है ये। ठीक, पूरे मामले को लेकर मोहम्मद आसिफ आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई है, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है, क्या ताजा अपडेट है, पुलिस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? बता दूं कि जो आरोपी जिस हनुमान जयंती के अवसर पर सभी जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया था, उस हिंसा का कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें एक आरोपी फायर करता हुआ नजर आ रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम पुलिस के अधिकारियों के साथ जब यहां पे उस आरोपी को ढूंढने पहुंची, क्योंकि वो कुछ समय से फरार था, तो उस आरोपी की पत्नी, आरोपी सोनू की पत्नी की बहन के यहाँ पे पुलिस जब रेड करने पहुंची तो यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू की गई। उन्होंने अपने हिंसा जाहिर करी कि वो इनको अरेस्ट करने आए हैं, इस चीज को लेकर उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भावना, जिस दिन से हमने देखा कि पत्थरबाजी हुई थी हनुमान जयंती के मौके पर, उसके बाद से ही यहाँ पर पुलिस बल का पहरा था, यानी अब एक बार फिर से जब पत्थरबाजी होती है तो वो भी प्री प्लान थी, यानी कि पुलिस की मौजूदगी में ही इस तरह की प्री प्लानिंग हो रही है, उसके बाद ही पुलिस कर हमला भी किया जा रहा है, उनको चोटिल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो कई बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, दो से ज्यादा ऊपर की कुछ वीडियो सीसीटीवी फोटो ऐसी है जो कि पुलिस जिनकी जांच कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे गए थे उसमें जितने भी आरोपी नजर आ रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए, दंगा करते हुए या हाथों में हथियार लिए, पुलिस उन ढूंढने के पूरे प्रयास कर रही है। उनको उनके पास पहुंचने तक का जिस तरीके से पुलिस प्रयास करती है, तो उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो उनके ऊपर इस तरीके का पथराव किया जाता है कि ताकि जो अपराधी है उन तक पुलिस ना पहुंच पाए। ठीक है, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला पुलिसकर्मी और साथ ही बड़ी संख्या में आप पुलिस फोर्स मौजूद यहां पर देख सकते हैं, और एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई है, तो अब ये माना जा रहा है कि गिरफ्तारी और भी ज्यादा बढ़ेंगी। भावना, गिरफ्तारी को लेकर क्या ताजा अपडेट है? अब दोबारा से जब पत्थरबाजी हुई है तो क्या और भी गिरफ्तारियां हुई है? अगर हुई है तो क्या नाम का खुलासा हो पाया है? फिलहाल जो वीडियो में जो शख्स सोनू नाम का शख्स फायरिंग करता नजर आ रहा था, फिलहाल उसको पुलिस पकड़ने यहाँ पर आई हुई थी। उसके अलावा जो आज सुबह की जानकारी मिल पाई है कि आज सुबह 8 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं करी है क्योंकि उनसे अभी पूछताछ चल रही है। उससे पहले कल तक की डेट में 21 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है इस मामले के अंदर। भावना, एक तरफा कार्रवाई करने को लेकर ये आक्रोश देखा जा रहा है, पत्थरबाजों का ये कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, और क्या कुछ बातें हैं जिसके चलते इस तरह के बार बार हमले हो रहे हैं पुलिसकर्मियों पर? आखिर उनका जो पक्ष है क्या अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट हो पाया है कि आखिर क्या बड़ा कारण है जिसके चलते आक्रोशित देखे जा रहे हैं? और अगर एक तरफा कार्रवाई की बात कह रहे हैं तो आपको याद होगा कि कई लोगों का ये भी कहना था कि पहले नारे लगाए गए थे उसके बाद में पत्थरबाजी हुई है, तो क्या ये पूरी कहानी कुछ स्पष्ट होती हुई अब समझ में आ रही है? दूसरा पक्ष इसको लेकर अब क्या कह रहा है? आपको बता दूं, जब ये हिंसा शुरू हुई तो उनका कहना यही है, जब शाम की नमाज का टाइम हो रहा था तो उनका से एक मतलब लोगों से अपील की गई थी शोभा यात्रा के लिए, शोभा यात्रा को थोड़ा सा आवाज जो है वो धीरे कर ली जाए। इसको लेकर जब हंगामा शुरू हुआ, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का प्रयास किया गया, तब ये हंगामा शुरू हुआ था। और लोगों का कहना ये है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस का जो बयान है कि फिलहाल वो बस अपराध को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है कि पुलिस जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है वो एक तरफा ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में इसकी कार्रवाई हुई। भावना, अब जो पत्थरबाजी की गई है उसमें महिलाएं शामिल हैं और महिलाओं के ही नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या अब उन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है या फिर किस तरह का उन पर एक्शन लिया जा रहा है?
फिलहाल जिन भी महिलाओं ने, जो परिवार की महिलाएं थी जो इस पत्थरबाजी में सामने आई हैं, जब पुलिस आगे इनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो इधर उधर हो गए हैं, तो कुछ लोग क्या पुलिस ने पकड़ लिए हैं, लेकिन मेन जो एक्यूज सोनू जिससे जो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा था, फिलहाल पुलिस उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। उसके साथ साथ जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी उनमें से कुछ लोगों को पकड़ के थाने की तरफ भेज दिया गया। तो यानी कि ये मामला और ज्यादा पेचीदा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद में अब पुलिस को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भावना, और ग्राउंड जीरो पर किस तरह के एक्शन, कार्रवाई, किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये अंदाजा, द्वारा क्या एक्शन वहां लिए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे सी ब्लॉक को बैरिकेडिंग से बंद करा हुआ है, किसी की बाहर के लोगों की आवाजाही बंद है। हर गली गली के कोने पे बीएसएफ सीआरपीएफ के जवानों को खड़ा कर दिया गया कि कोई भी अंदर से बाहर ना आ सके, जिसको सामान की जरूरत है वो भी बस अपना सामान लेकर वापस आ सकता है। उसके अलावा किसी को भी इधर उधर नहीं आने दिया जा रहा, किसी को भी बाहर घूमने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल सुबह जो जानकारी मिली थी, और सुबह मौके पर एसएफएल की टीम भी आई हुई थी, जिन बिल्डिंगों से पथराव किए गए थे उनको देखते हुए भी वो सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए एसएफएल की टीम लगी हुई थी। भावना, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता ममता चतुर्वेदी हंसराज हंस से खास बातचीत कर रही है, सीधी तस्वीरें अब आपको वहीं के दिखाएंगे। तो उससे पहले ये तस्वीरें जहांगीरपुरी की है, जहां पर महिला फोर्स आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद है, और साथ ही हिंसा रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ ही समय पहले राकेश अस्थाना, जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें कही गई थी, और उसके कुछ मिनट बाद ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जब उसी इलाके पर एक बार फिर से पथराव किया जाता है, और पथराव होता है एक बार फिर से पुलिसकर्मियों पर। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और ये उन्हीं के परिजन हैं जिनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। यानी कि पहले पत्थरबाजों पर जो एक्शन लिया गया, अब आक्रोश परिजनों में देखा जा रहा है, नाराजगी ये कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हालांकि बड़ी संख्या में अब पुलिसकर्मी मौजूद है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। Download it now.